का रूप है ऊष ऊष ऊष। भगवान शंकर या देवताओं की पुकार जो होती है, जयकार जो होती है, वो ऊंचे स्वर में होती है। और भगवान की जो कथा होती श्रवण करते हैं, सुनते हैं तो बोरा बन करके सुनते हैं। तो उमापति महादेव की श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, पति महादेव की जय। हर हर नरवरे। सज्जनों, भील राज के द्वारा सापत्नी ब्राह्मण ऋषि मुनि महात्मा एकत्र होकर के और श्री महाकालेश्वर की स्थापना उज्जैन में करते हैं। आज भी सज्जनों बना हुआ नियम उज्जैन में चल रहा है। आज भी महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो लेने लगा करके और हमको भगवान शंकर की पूजन करने का मौका मिलता है। महाकालेश्वर भगवान शंकर के शुभ आशीर्वाद से महाकाल जैसे संकटों के लिए दूर करने वाला महाकाल, इसी आशा से सब लोग भगवान की अर्चन वंदन और पूजन करते हैं। आभा शोभा कांति और नशाई सुंदरताइयों को धारण करते हुए मन पचर कर्म के द्वारा और भगवान शंकर की जो पूजन करते हैं, भगवान शंकर का जो अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर का जो
प्रार्थना करते हैं वो सभी प्रकार से सुखी होकर के अपने जीवन में लाभान्वित हो जाते हैं। वैश्यपायन महाराज ने ये बताया था, मैंने पहले कहा था, अग्नि बन करके और श्री भगवान शंकर के वीर्यांतर को पा लिया था। भगवान शंकर उसी समय महान क्रोधित होते हुए और श्री पार्वती के पास आते हैं और पार्वती से आकर के कहते कि हे पार्वती, देवताओं को तुमने जो श्राप दिया है कि मैं बंध्या रह गई, इसी द्वारा आप मेरे इस श्राप को अंगीकृत करें कि सभी देवताओं की नारियां मेरे सामने समान बंध्या हो गई। अग्नि ने उस वीर्यांकृति के लिए ले जाकर के कबूतर बन करके सरकंडे के भुजा में और जाकर के छोड़ दिया। सरकंडे का बगीचा क्या होता है सचो, मैंने आपको बताया था, साली चूर्ण, साली चूर्णम जो हमारे झोरे में, खेतों में, सरोवरों में, तालाबों में जो सोटा होता है उसका एक बन होता है। उस बन में अग्नि ने जब सहन नहीं हुआ तो भगवान शंकर के अंगीकृत के लिए छोड़ दिया, त्याग दिया। पर सजनों, अग्निदेव के लिए दया आ गई और उसी समय छोड़ा था उसको फिर अंगीकृत कर लिया। उस महान सुंदर गंडकी नदी में ऋषियों की जो पत्नियां थी कार्तिक के महीने में, कार्तिक में नहा करके भगवान की पूजन करके ही जाती थी। सजनों, थोड़ा ठंड का मौसम था, शीत थी, इन्होंने स्नान कर लिए और स्नान करने के पश्चात उसी समय अग्नि का सहारा लिया तो थोड़ा अग्नि के लिए जब तापने लगी, उसी समय अग्नि ने छह कृतियों के शरीर में और शंकर भगवान के वीरत्व की रचना कर दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, छह कृतिकाओं ने विचार किया कि हमें शीत जो ठंड लग रही है उसको दूर कर दे, पर अग्निदेव ने शंकर भगवान के वीरांगतक के द्वारा छह कृतियों को गर्भवती कर दी। धीरे धीरे सजनों, जब कृतिकाओं के लिए आभास होने लगा, हम अपने पतियों से पूछ करके गंगा स्नान करने के लिए आते थे, स्नान करने के लिए आते थे, पर जब पता लगेगा कि हम सब कृतिकाएं सब गर्भवती हैं तो हमारा क्या होगा, इसलिए उसी समय छह कृतिकाओं उन्होंने अपने मंत्र के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा उस महान शंकर भगवान के वीरांगतक के लिए उल्लंघन करते हुए उसी में छोड़ दिया सरकंडे की बगीचा। जब छूट गया सजनो तो वह भगवान शंकर के किसी भी अंश का नाश नहीं होता, ध्यान रखना। जब वो अंश वहां पर गिरा उसी समय वह पुत्र बन करके रोने लगा, पुत्र बन करके रोने लगा। छह कृतिकाओं ने विचार किया, हमने बड़ा बुरा किया, जो किया था उसका ये महापाप हमके लिए मिला, जो पुत्र बन करके रो रहा है, इसलिए छह कृतिकाओं ने स्नान भी किया, पूजन भी किया और पतियों की सेवा भी की और साथ में उस शंकर भगवान के पुत्र की लालन पालन पोषण भी किया। सजनो, छह कृतिकाओं ने अपनी अपनी गोदी में रख करके उस बालक को पाला जिसका नाम सज्जन बिंदु नारजी के द्वारा स्कंद हुआ। नारजी ने उस शंकर भगवान के पुत्र को, जिसने छह कृतिकाओं ने इसको पाला, उसका नाम स्कंद हो गया और छह कृतिकाओं ने अपने अपने अंगीकृत किया, छाती से लगाया, इसलिए उस बालक का नाम कार्तिकेय हो गया। धीरे धीरे जब बालक छोटे से जब पढ़ा, यहां पार्वती जी
कैलाश पर्वत पर बैठ करके और शंकर भगवान से कहती है कि हे भोलेनाथ, आज मुझे ये आभास हो रहा है कि कहीं मेरे पुत्र का जन्म हो गया, जो तुम्हारे द्वारा वीरयाम निष्कलत हुआ था, जो जाकर के अग्नि ने कबूतर बनकर के जिसको बीला था, उसने जाकर के सरकंडे के बगीचा में अग्नि को प्रज्वल करके कृतिकाओं के स्त्री में प्रभाषण किया था, उन कृतिकाओं ने डर के कारण उसको जब वहां त्यागा तो पुत्र बनकर के तैयार हो गया, इसलिए वीरभद्र को बुलाया, हे वीरभद्र, मेरी आत्मा में ये कह रहा है कि मेरा पुत्र जो है उसको ला करके मुझे दो। सजनों, वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया मैं तुम्हारे सब दुख को दूर कर दूंगा, जो तुम कहोगी, जो संकट जो तुम पर है वो दूर करूंगी, परंतु ये तो बताओ, सरकंडे के बगीचा में वह पुत्र रो रहा है या है, मुझे तो मालूम नहीं, तुम कह रही हो है, पर ये तो बताओ तुमको आभास कैसे हो रहा है कि मेरे पुत्र ने जन्म ले लिया, आभास कैसे हुआ? तो सजनों, माताओं के पास में आभास होने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। कैसा आभास? माताओं के हृदय में यह होता है कि आंखों में आंसू होते हैं, और सजनों छाती में एक बालक को पालने की शक्ति होती है। जिस समय भगवान राम कौशल्या से बन जाने की आज्ञा लेने के लिए गए, उस टाइम पर कौशल्या ने गोद में बिठाया तो तुलसीदास जी ने लिखा कि 28 वर्ष के राम के लिए सर्वत प्यारे आने, उसी समय स्तनों से दूध की धार निकल पड़ी और राम उसके लिए देख करके रोने लगे। ये माताओं का आभास होता है। इसी प्रकार से जब जन्म लिया था पार्वती के शरीर से, जब संसार का जब आभास हुआ, उसी टाइम पर श्री वीरभद्र को बुलाया और वीरभद्र सुंदर रथ को तैयार करते हैं और रथ पर बैठ करके शंकर भगवान के त्रिशूल को धारण करके और उस बालक को लेने के लिए जाते हैं। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को लेकर के जब जब वीरभद्र चले तो वीरभद्र ने क्या देखा? वीरभद्र ने कान्हों का देखा, क्या देखा? एक पुत्र है और 6 माताएं, और 6 पारी पारी से एक खिलाती है, दूसरे को देती है, तीसरे को देती है, चौथी खिलाती है, बदबूद करते हुए, बड़ा प्रेम वात्सल्य करते हुए श्री वीरभद्र की आंखों में आंसू आ गया। जो वात्सल्य करने वाली महाकृतिकाएं आन के शरीर से ये बालक झूमा रहता है, उसको जब छुटाऊंगा और ले जाऊंगा, उस टाइम पर माताओं को कितना दर्द होगा, उस टाइम पर वीरभद्र की आंखों में भी आंसू आ गए। सज्जन बिंदु, महापतिव्रताएं जो नारियां हुआ करती हैं, उन महानारियों के हृदय के अंदर अगाध प्रेम बसा हुआ है और अगाध प्रेम में वात्सल्यता बसी है, और वात्सल्यता में सज्जन बिंदु उनकी वासना भरी हुई है, ये देखा नहीं गया। और ऐसे माताओं के स्तनपान करने से या इनका मनबोध प्राप्त करने से बालक में हृष्टता, पुष्टता, बल और शक्ति का प्रभाव आ जाता है। देखा होगा आपने, सुनिए, सर्वशक्तिमान हनुमान, भगवान हनुमान को बिठा लिए पुष्ट उस महान विमान में चले आ रहे हैं, और जैसे द्रोणाचल पर्वत आया उसी समय हनुमान ने प्रार्थना की, हे प्रभु जरा विमान के लिए रोक दीजिए, इस पहाड़ में मेरी माता रहती है। माता तो कहा, हनुमान हम तो रोक तो रहे हैं, पर तुम अकेले जाओगे? कि नहीं जी, मैं भूल गया हूँ, मैं तुमको लेकर के जाऊंगा। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता के सहित हनुमान जी जब माता के पास पहुंचे, जिस द्रोणाचल पर्वत पर अंजनी बैठी हुई थी, अंजनी माता ने अपने पुत्र को देखा, 6 महीने का पुत्र माता से विलग हो गया था, जब अपने पुत्र को हनुमान को जब देखा तो पहचान गई, शक्ति में पहचान गई मेरा पुत्र है। उसी समय हनुमान को गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा कर कहा, मेरे बेटा ये किसको लेकर के आई, ये मूर्ति तीर कौन है? कहा, माता ये मेरे भगवान राम, इन्होंने रावण को सीता का हरण कर लिया था, इसलिए हमारे भगवान ने रावण को
ये लक्ष्मण है, इन्होंने संग्राम करके मेघनाथ को मारा। ये मैया मेरी सीता है, जिन्होंने रावण के घर पर रह करके भी सतत्व को निभाते हुए अपने जीवन पार श्री भगवान को पाया। कहा बेटा ये तो बता, तेरा भगवान जो है, तेरा इष्ट जो है वो भगवान है, राम है, और उन्होंने रावण को मारा, इसने लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, तू क्या कर रहा था? तूने किसी को नहीं मारा, न रावण को मारा, न मेघनाथ को मारा, न कुंभकर्ण को मारा, और तूने इनके लिए अपना भगवान कैसे समझ लिया? अपने जो भगवान इष्ट के इष्ट देव स्थान देव, इस प्रकार की देवता आते अगर काम नहीं पड़े तो सामने वाला कोई काम करने। हनुमान तूने कुछ नहीं किया, काम मैं कुछ नहीं किया, गोदी में बैठे हनुमान के लिए उसी समय अंजनी ने फेंक दिया। अब फेंका तो क्या कहा, बेटा हनुमान तूने राम की सेवा जो नहीं करी है इसका कारण यह है कि तूने मेरा दूध लजा दिया। लक्ष्मण के मन में आया कि मैं देखना चाहता हूं कि माता अंजलि के पास कैसा दूध था जिसको पिलाया था। उसी समय माता समझ गई, उसी समय छोटी सी सेठ चलाती है, सेठ चलाने पर ये सात पहाड़ों को फोड़ करके सजनंदो जिसको दुधी नदी कहते हैं वो आ गई। बोली होमापति महादेव की जय। ऐसी माताओं का जो सतत्व प्राप्त करते हैं, दुग्धपान करते हैं, गोदी में खेलते हैं, वात्सल्यता प्राप्त करते हैं, चुम्बन प्रेम करते हैं, उनके शरीर के अंदर सज्जनों रोग दोष नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती। हाँ आती है तो उनके हृदय के अंदर शक्ति होती है, शक्ति। हनुमान के पास कितनी बड़ी शक्ति है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक पूजा, राम दूत अतुलित प्रधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। तो सजनों छह कृतिकाओं की गोदी में जब वीरभद्र ने उस बालक को जब देखा तो वीरभद्र के मन में ये प्रलाप हो गया, प्रलाप लाइट। और हमें से कह चुके भैया जब बुझाओ मत कि गुरु जी शोभा बिगड़ गए, हमें सो बार बन न बिगड़े हम बिगड़ जाए। हर हर बहुत अच्छी बात है, हम आंसू पहुंचते जाएंगे आपको कथा सुनाते। वीरभद्र जो है, वीरभद्र अलग अलग व्याख्या है, वीर धन भद्र जिसके पल का पार ना हो उसका नाम वीरभद्र। ये वीरभद्र कहां पैदा हुआ था, जिस समय मातेश्वरी अग्नि में जब जरकर के भस्म हुई थी उस टाइम पर जटा को उखाड़ करके शंकर भगवान ने धरती पर मार करके इस महावीरभद्र को तैयार किया था। आज वही वीरभद्र माता पार्वती के उस पुत्र को लेने के लिए छौकों के पास पहुंच गए। कृतिकाओं से कहा माताओं मुझे माफ कर, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मुझे माफ इसलिए करना कि मैं मेरे तरफ से नहीं, मैं किसी की आज्ञा लेकर के आया हूं। जगदाधार अखंड भुवनेश्वर वैकुंठ का जो बिहारी है उनके जो महाप्रभु दास श्री शंकर भगवान की आज्ञा लेकर के मैं आया हूं। माता जगदम्बा अम्बे अम्बकाली के जो पार्वती का रूप लेकर के विराजमान है उनकी मैं आज्ञा लेकर के आया हूँ। जिस पुत्र पर तुम कब्जा किए हो वो पुत्र तुम्हारा नहीं है बल्कि वह कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान की प्रिय बालांगनी श्री पार्वती का है। सज्जन लोग अगर ये देखा जाए ना तो इसी प्रकार से पार्वती ने अपने दो पुत्र पाए, जब जन्मेऊ खट बदन कुमारा तारक यसुर समर जी मारा, ऐसा ही पुत्र और है इनके, एक पुत्र और ही बनाया है जो ये भी पुत्र हो गया और एक पुत्र और है। एक बार सरोवर में स्नान करने के लिए इन्होंने ठंड डाली और उसी समय शरीर में उपटन लगाया और उपटन लगा करके उस उपटन के लिए थोड़ा निकाला, जो शरीर से मैल निकला था उपटन के साथ उस शरीर के मैल से और श्री पार्वती जी ने पुतला बनाया। एक बार स्नान कर देही में उपटन लगाया था, जो मेल निकला देही में एक पुतला मात्र बनाया था। सजनों पुतला बना करके तैयार किया, पार्वती को बड़ा अच्छा लगा।
पुतला पुतलियां अच्छी लगती हैं, पार्वती को अच्छा लगा। उसी समय पार्वती ने कहा क्यों ना इसके लिए पुतले से और मनुष्य बना दूं। उसी समय पर इन्होंने अपने तप के द्वारा इस बालक के शरीर में प्राण को डाला और इसके लिए गणराज बना दिया। गणराज किसको कहते? भगवान शंकर का एक गण तैयार और कर दिया। तो सज्जन बंधु, गणराज जो है वो माता की रखवाली करते हैं, केवल माता के रखवाले हैं। विचार करना, यहां पर माता के रखवाले श्री कार्तिक जी होना चाहते हैं, श्री आज वीरभद्र लेने गए, और यहां माता के रखवाले पार्वती के जो है अच्छा मोटा सा लठ लेकर के दरबार पर बैठे हैं, और गुफा में श्री पार्वती जी विराजमान हैं और सामने श्री गणराज बैठे हैं। शंकर जी किसी काम से बाहर गए थे, त्रिशूल को धारण किए हुए हैं। शिवम शंकरम निस्तदार्ड्यम जाम महाप्रता। शिव शंकर जी हाथ में त्रिशूल लेकर के और अपनी पत्नी पार्वती के पास जाना चाहते हैं, और रास्ते में गणराज बैठे हैं। जो रास्ता जाने का था उसी पर रखवाला बन करके बैठा है गणराज। भगवान शंकर से उसी समय बड़े अच्छे शब्दों से कहा कौन हो? कहा मैं शंकर। कहां जा रहे हो? कहा मैं अपनी पत्नी यहां पार्वती रहती है वहां जा रहा हूं। कहा तुमको हमारी ऐसी माता पार्वती जैसी माता पे तुम कब्जा करके पत्नी बतलाते हो? तुम मूर्ख हो, बड़े बड़ी तुम्हारी जटा है, सांपों को डाले हुए हो, त्रिशूल को धारण किए हुए हो, तुम कभी हमारी माता के पति नहीं हो सकते। कहा मूर्ख तो मुझे जानता नहीं है, दुष्ट तू जानता नहीं है, विवाद करता है। कहा मैं विवाद नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा शस्त्र चलाता हूं। सज्जनों थोड़ी ही देर में शंकर भगवान देखते ही रहे, जो हाथ में लाठी थी वो लाठी शंकर भगवान के ऊपर श्री गणराज चलाता। भगवान शंकर ने विचार किया अभी तक मैं पिटा कोटा नहीं हूं अपनी जिंदगी, उन्हें मुझे मारा नहीं, डांटा जरूर है, गाली जरूर दी है, पर मारा नहीं है। और इस छोटे से बालक ने बिना सोचे समझे, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम बिद जाए, मूर्ख मारे टेन पर फूट कर नपटी जाए। इसने ज्ञान को धारण न करते हुए अज्ञान में आकर के मेरे ऊपर फिराठी को चलाया कि तू मुझे जानता नहीं। उस समय शंकर भगवान को क्रोध आया और क्रोध आते हुए अपने त्रिशूल को उठाया, त्रिशंकु के लिए उठाया और विचार नहीं किया कि मेरे पार्वती का पुत्र है। और उसी समय जब चलाया तो सज्जनों सिर निकल जाता है, धड़ रह जाता है, बालक मरते मरते चिल्लाता। पार्वती अपने बालक के रुदन के ऊपर रोते हुए आती है और सज्जनों सिर पड़ा हुआ था, धड़ पड़ा हुआ था, वहां आकर के विलाप करती है। भगवान शंकर विचार करते हैं ये नाटक कौन सा। पार्वती ने कहा ये तुमने अपने पुत्र को मार डाला। कहा ये कहां का पुत्र है? कहा मैंने अपने शरीर के मेल के द्वारा। सज्जनों विचार करिए, जीव की रचना 5 प्रकार से होती है, ये नहीं है कि पार्वती की मेल से पुतला पैदा हो गया। सज्जनों आपके शरीर में आप बनियान पहने हो, आप बनियान पहने हो, बात आगे नहीं इतना ही की बात है। और बनियान अगर 8 दिन ना धो हुआ तो बाहर निकाल के देखो आप काहे वाले, कछु होगा तो नहीं, वो काहे से पैदा हो कि आप लोग बीज डालो तो हम दिमाग पैदा होगा नहीं। सज्जनों पसीना से भी जीव तैयार हो जाता है, पसीना से भी जीव तैयार होता है। तो पसीना से बनता है मैल और मैल का बनाया पुतला, तो वह पुतला तो श्री पार्वती का पुत्र कहलाएगा ही। तो पार्वती रोती है, पार्वती जब रोई भगवान शंकर ने विचार किया कि पार्वती को मैंने कभी रोते नहीं देखा, और ये रोएगी तो इसमें रोष आएगा, और रोते रोते जब रोष आएगा तो ये काली
महाकाली, कंकाली, भद्रकाली और मंगला काली का रूप धरेगी और धरेगी, धारण करेगी तो वो तो बच जाऊंगा पर संसार का प्रलय हो जाएगा। तो कहा महादेवी शरण याचे हम तो हम सेवकों को नाम शरण हम तुम्हारे हैं, रक्षा करें, आप ये चाहते जो चाहते वो ही आप विचार कर ले। कहा मुझे मेरा पुत्र चाहिए। सजनो मेरा पुत्र चाहिए। देवताओं ने उसी समय कहा कि जो माता अपने पुत्र को पीठ देकर के सोती है उसकी गर्दन लेकर के आओ, सिर लेकर के आओ। जो माता अपने पुत्र की तरफ पीठ देकर के सोती है कौन है ऐसा चीज? केवल गजराज, गज कामनी श्री हथनी कभी भी अगर बैठती है तो अपने पुत्र को पीछे पिछाड़ करके बैठती है। उसी समय सिर लाए और देवताओं ने अपने तप के द्वारा इनके सिर लगा करके इनके लिए गणपति बनाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये गणपति हो। और यहां सज्जन बिंदु अनुरोध कर रहे हैं कौन वीरभद्र की माताओं क्षमा करो, इस पुत्र पर मोह मत डालो, आप अज्ञान को धारण मत करो, मुझे दे दो ताकि मैं ले जाकर के पार्वती को दे दे। छो कृतकाओं ने कह दिया सुन रहे हो, हे वीरभद्र तुम ताकत से शक्तियों से हथियारों से सुसज्जित हो, अधिक तुम में बल है, परंतु हम माताओं के अंदर वह बल है, वह आत्मबल है कि तुम हमसे इस पुत्र को नहीं छोड़ा पाओगे। सजनों जब इस प्रकार की बात सुनी उस टाइम पर बलभद्र जो था, वीरभद्र जो था, वो बलहीन हो गया। हमारे छयों के लिए तुम समाप्त कर दो, छह कृतकाओं को नष्ट कर दो, इसके बाद ही तुम इस पुत्र को ले जा पाओगे। विचार किया बहुत बड़ी ममता है। तो सजनों एक कवि ने कहा भी है, अरे नादान माँ से बढ़ के कौन होता है, माँ के साई में जमाने का प्यार होता है, अगर तू भूल गया माँ तुझे पढ़ाती है, भूखी खुद रहती है लेकिन तुझे खिलाती है, अगर तू आंख से होसर हुआ ना सोई माँ, अगर तू रूठ गया तो लिपट के रोई माँ, लिखा पढ़ा के माँ ने जब तुझे जवान किया, तुझे दीधा बना के देखी अरमान किया। सजनों वह माता है, सत्य में ही वह कार्तिक की माता बन रही है। माताओं से अगर किसी पुत्र के लिए छिपाया अगर जाए, छुड़ाया अगर जाए तो सज्जनों ऐसा होता नहीं है। एक बार एक गाड़ी पर बंध्या माता यानी बिना पुत्र के एक माता गाड़ी पर बैठ करके बाजार को जा रही थी और उसी समय एक पुत्रवान पुत्रवान पत्नी जो थी गाड़ी पर विचार कर रही थी मेरे लिए भी जाना है, तो उसी से कहा क्यों भाई इस गाड़ी पे मैं बैठ जाऊं? तो सजनों उसके पुत्र नहीं था वो बैठी थी, जिसके पुत्र है उसने कहा बैठ जाऊं तो कहा जा, तो उसको बिठा लिया। बहुत दिन से उसने पुत्र नहीं खिलाए थे, बालक नहीं खिलाए थे, इसलिए प्रसन्नता से हाथ को बढ़ाया और पुत्रवती माता से पुत्र को ले लिया। सजनों कभी कभी धीरे खिलाते पिलाते खिलाते पिलाते वो गई और जब हाट बाजार में उसने भी सौदा लिया, उसने भी लिया और गाड़ी जो मिल गई तो सजनों उस गाड़ी में वह पुत्र को लेकर के फिर बैठ गई। इसने बाजार से जो सामान लाई थी वो खिलाना पिलाना चालू किया। अब धीरे धीरे जब उसका गांव आया तो कहने लगे भाई तुम्हारा बड़ा एहसान है, अब मेरा घर आ गया है इसलिए मेरे पुत्र को दे दो, तुमने खूब खिला लिया, तुम्हारी आत्मा खूब तृप्त हो गई होगी, दे दो दे दो। तो माता बोली कि तेरा कहां का पुत्र है? तेरा ही? अरे मेरा है, अगर तेरा है तो तू ले ले। तो सजनों वो खाने पीने के लोभ में बालक उसके पास था, वहां खाने नहीं। माता ने बहुत कोशिश की कि मेरे पास आ जाए पर आया नहीं। माता रोने लगी, बेटा मैं तेरी माता हूं, ये तो दोस्तों पर नहीं नहीं, झगड़ा होने लगा दोनों। वो कहती है मेरा पुत्र है, वो कहती है मेरा पुत्र है, वो कहती है मेरा पुत्र है, कहती है मेरा पुत्र है। शिकायत राजा के पास पहुंची, राजा आज एक बहुत बड़ा आपके सामने केस आ रहा है,
कैसा है का एक पुत्र है, एक बालक है और दो बेटा है। वो कहती मेरा, वो कहती मेरा, किसको दे दे? तो राजा ने कहा बुढ़ा बुढ़ा क्यों क्यों लड़ रही हो? कहा जी ये कहते मेरा बालक है, यही कहती मेरा बालक, ये कहती मेरा बालक। राजा ने कहा ये न्याय मुझसे नहीं होगा, इतना मैं नहीं पढ़ पाया, इसलिए थोड़ा सा समय मांगा कि देखिए मैं थोड़ा घर पर जा रहा हूं और घर पर जाकर के भोजन करके आऊंगा, इसलिए दोनों बैठ रहे बालक को लेकर के, मैं वहां से जब आऊंगा तो फैसला कर दूंगा। राजा घर पर गए, भोजन की थाली पर बैठे तो सजनों भोजन नहीं हो रहे थे। रानी ने कहा आप प्रसन्न चित्त क्यों नहीं, रोज प्रसन्न रहते थे, आज प्रसन्न क्यों नहीं? कम इसलिए प्रसन्न नहीं कि मेरे दरबार में केस है और वो केस बड़ा कठिन है। कैसा है? दो मेहतारियां एक बात, वो कहती मेरा, वो कहती मेरा, हम किसको दिला? राजा साहब से कहा राजा साहब तुम नहीं समझते, तुम भोजन करो, ये न्याय मैं करूंगी, तुम तो भोजन करो। राजा से कहा भोजन करो, तो भोजन करने को बैठ गए। राजा साहब भोजन अच्छे से किया, रानी जाती है दरबार में, सब लोग प्रसन्न हुए कि आज तो रानी आई है, आज तो रानी आई है। रानी ने कहा किसका पुत्र है? वो कहती मेरा। रानी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, एक बालक दो का नहीं हो सकता, इसने के बस दो का हो सकता है, पर नहीं जी हमारा है, नहीं जी हमारा है। तो कहा तुम्हारा तो ठीक है, अब एक पुत्र है, दो बेतारी है, दोनों चाहते हैं तो क्या करें? उसी समय रानी ने कहा जल्लाद तलवार लेके आओ, जल्लाद तलवार लेकर के आओ। कहा फिर क्या करेंगे तलवार? कहा इस बालक को काट दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। जल्लाद तलवार गिरी चमकते हुए जब आया, उसी समय जो सगी मेहतारी थी वो रानी के पैर को पकड़ करके कहती है माता इस बालक को मत मारो, ये मेरा पुत्र नहीं है, इसी का। उसी समय रानी ने समझ लिया कि पुत्र इसका है और कब्जा ये की हुई है, तो बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता का ममता कितना होती है कि जिसने अपने पुत्र को मरते हुए देखा उसी समय कह दिया मेरा नहीं। मां के पास ममत्व होता है और ममत्व में वात्सल्यता छिपी रहती है। सज्जन बंधु वात्सल्यता और वात्सल्यता जब देखा या प्रेम देखा, अगाध प्रेम देखा, तो वीरभद्र ने उसी समय कहा कि चाहे मुझे पार्वती कोई भी सजा दे दे, बोले शंकर मुझे कोई भी सजा दे दे, पंथों में छाऊं पुत्रकाओं से इस पुत्र को नहीं नहीं। पुत्र नहीं नहीं सज्जन बिंदु उसी समय नीचे को मुंह करके वीरभद्र बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद उस रथ की तरफ जब जाते हैं छौकट गांव ने कहा वीरभद्र हताश मत, हम तुम्हारे लिए एक युक्ति बताते। युक्ति का कौन सी युक्ति है? कि माताओं का ममत भी न टूटे और तुम भी विमुख न जाओ, हम बालक को गोदी में रख करके क्षय कृत्य का आपकी माता पार्वती के पास चले। और माता पार्वती ने अगर कह दिया कि ये पुत्र ले जाओ तो हम लेके आएंगे, और माता पार्वती ने पुत्र को ना लाने के लिए तैयार कहा तो हम पुत्र को छोड़ के आ जाएंगे, पर हम तुम्हारे साथ रथ में बैठ बैठ के चलते हैं। बोलिए श्री महादेव की जय। माता ममत्व के कारण वासुदेव के द्वारा आज वो छह पुत्र का जो है रथ में बैठ जाती है, पुत्र को गोदी में रखती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी खिलाती है, कभी पिलाती है, बड़े दुख के लिए भूखती हुई जाती है, संताप करती हुई जाती है। क्या मालूम पार्वती अब हमारे पास आने देगी कि नहीं? नहीं, जब धीरे धीरे रथ पहुंचता है, जब धीरे धीरे रथ जब पहुंचता है कैलाश पर्वत के किनारे, जब रथ आ जाता है तो पार्वती सज्जनों कैलाश पर्वत की गुफा से निकल करके पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए अपने पुत्र को आते हुए देख रही कि वीरभद्र का रथ आ रहा है।
वीरभद्र के रथ को देख करके, वीरभद्र को उतर करके, जब उतर करके जब वीरभद्र खड़े होते हैं, उसी समय वीरभद्र से कहा गया, क्यों वीरभद्र, जिस काम को तुमको भेजाया था वो काम पूरा हुआ कि नहीं? कहा मैया वो काम तो पूरा नहीं हुआ, मैं बालक को लेकर के मैं नहीं आ सका, जो बालक की माताएं हैं वो बालक को लेकर के आ गई हैं, इसलिए वो काम मुझसे नहीं, वो काम माताओं से हुआ है। सजनों छाओ कृत का होने बालक को जो गोदी में बिठानी हुई थी, पार्वती ने झटक दिया, जैसे कि बिल्ली चूहा को पकड़ती है ऐसे ही स्त्री पार्वती ने छह कृतकाओं से छोड़ा दिया। छह कृतका उसी समय में थी। सज्जन बंधु पर छह में वो ताकत थी, वो शक्ति थी कि पार्वती से भी उनने बालक को छोड़ा और धीरे से छह कृतकाओं ने उस बालक को स्तनपान कराना चालू किया, तो देखते ही देखते वह बालक छह मुख का होता है और छह मुख जिस कृतका का स्तनपान किया था उसके अंश तैयार होकर एक सिर बनाया, छह कृतक छह शरीर छह रूप से बनकर के, छह शरीर नहीं छह रूप सरों के जब तैयार हुआ, उसी समय पार्वती के अंदर ये भावना आई कि सत्य मैं ही कृतकाओं के और शक्ति भक्ति का ये कारण है, जैसे कि ये पुत्र महाबली। सजनों पार्वती जी ने निवेदन किया, अपने कैलाश में उनका सम्मान किया, आदर किया, नारी नारी को जो सम्मान बन सकती है वो सम्मान पूर्ण हुआ और पार्वती के सम्मान से कृतिकाएं बड़ी प्रसन्न हुई। कृतिकाओं से निवेदन किया, हम ये मानते हैं कि ये तुम्हारा पुत्र है, जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा पुत्र है, तुमने हमारे बालक का पालन पोषण किया है, ये बात सत्य है, ये तुम्हारा है, पर मेरा मन इस पुत्र के ऊपर लग चुका है, इसके जन्म होने पर ही मेरे शरीर से स्तन से धार चल गई थी, इसलिए मैं इस पुत्र को अधिक चाहती हूँ, अगर तुम सब चाहें समय पर आए और देखें, ले जाए लाए, परंतु इस पुत्र को अभी छोड़ करके चली जाए। छह कृतकाओं ने बड़ा दुख सहन किया और बड़ा दुख सहन करते हुए सज्जनों जब जाने लगी तो याद रखना छह कृतकाओं का मन क्या कहता है। दो बातें जीवन में उतारी जाती हैं, पति बिन सोनी मांग है, पुत्र बिन है घर सुना, और दो ही मुक्ति के मार्ग है कि दो ही बिन है दुख दूना। इनके कृतकाओं के पतियों ने इनको त्याग दिया, क्यों? शंकर भगवान के द्वारा जो यजन जो जिससे गर्भवती हुई थी उसका पालन पोषण किया था, उन कृतकाओं को त्याग दिया था, तो विचार किया इस पुत्र के कारण आज हमारा पति भी छूट गए, पतिविन सूनी मांगा, जिस पुत्र के भरोसे हमने अपने पतियों का त्यागन किया था वह पुत्र भी हमारा छूट गया, हम अभागर हो गए। हे विधना तोरे काहे बिगाड़,